होटल के बाहर दुनिया भर की मीडिया का तांता लग चुका है। लतीफ अपने साथी बंधक को गोली मार देता है, स्टोनब्रिज के माइक्रोफोन को निकाल कर नष्ट कर देता है और स्कॉट से पूछता है कि उसने जिन लोगों को छुपाया है, खास तौर पर बार में मिली महिला को, वो कहाँ हैं। स्कॉट के अनजान बनने पर लतीफ का साथी उस पर हमला करता है। अब स्कॉट वहां से चलना शुरू कर देता है। क्या वो आदमी लतीफ है? कंट्रोल रूम में इस बात को लेकर चर्चा चल रही है। जनरल कोहली असॉल्ट टीम को तैयार करने का आदेश देते हैं। मेजर अशकानी को उनका फैसला जल्दबाजी का लगता है। जनरल कोहली कहते हैं कि ISI ने अगर अपना काम ठीक से किया होता तो उन्हें ये फैसला लेना ही नहीं पड़ता। कर्नल ग्रांट उससे कुछ मोहलत मांगती है। जनरल बख्शी कहते हैं कि अगर वो आदमी लतीफ है तो तुम्हारे आदमी मारे जा चुके हैं। कर्नल ग्रांट के एक बार फिर प्रार्थना करने पर जनरल उन्हें सूर्योदय तक का समय देते हैं। स्टोनब्रिज स्कॉट से पूछता है कि यही लतीफ है। अब स्कॉट बताता है कि उसने लतीफ को कभी करीब से नहीं देखा, सिर्फ जॉन पॉटर ने उसे करीब से देखा था। ये सुनते ही स्टोनब्रिज उसे गाली निकालता है। लतीफ की गुत्थी अभी तक पूरी सुलझी नहीं थी कि महमूद की समस्या और खड़ी हो जाती है। कंट्रोल रूम में अब सारी आंखें अशकानी पर टिकी हैं। अब अशकानी फूटता है कि महमूद एक कोड नेम है, उस वेपन साइंटिस्ट का जिसके पास इराकी वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की खबर है और वो आज होटल में उसे ये खबर देने वाला था। कर्नल ग्रांट उन वेपन्स के बारे में और जानना चाहती है। अब अशकानी केमिकल से लेकर न्यूक्लियर बम्ब तक की गिनती करवा देता है, जिसको सुनते ही सबके होश उड़ जाते हैं। महमूद के ना मिलने पर और बहुत सा समय नष्ट होने पर होटल की लॉबी के टुकड़ी का लीडर बेचैन हो जाता है। उसके हिसाब से उन्हें एक बंधक और मार देना चाहिए। उसका साथी उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो उसकी सुनता नहीं। मौत को अपने इतने करीब देखकर आदमी अल्लाह का नाम लेता है। ये सुनते ही लीडर रुक जाता है। वो कहता है वो किसी भी मोमिन को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अब वो भीड़ से एक जवान लड़के को उठा लेते हैं। उसका साथी उसे फिर रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो लड़के को गोली मार देता है। स्कॉट एक रूम के सामने रुककर कहता है कि औरत अंदर है। रूम चेक करने पर वो औरत वहां नहीं मिलती। स्कॉट कहता है कि शायद वो वहां से भाग गई है। लतीफ स्टोनब्रिज पर बंदूक तानकर उल्टी गिनती शुरू कर देता है। डर के मारे औरत हलचल करती है और आतंकवादियों को उसका ठिकाना पता चल जाता है। उनका ध्यान भटकते ही स्कॉट और स्टोनब्रिज हरकत में आ जाते हैं और इसी दौरान स्कॉट की जांघ पर गोली लग जाती है। औरत और बच्ची को लेकर वो एक रूम से बालकनी की तरफ बढ़ते हैं और स्नाइपर्स की नजर में आ जाते हैं। उनका पीछा करते हुए आतंकवादी जैसे ही कमरे में दाखिल होते हैं, स्नाइपर गोली दाग देता है। लतीफ और उसके आदमी जमीन पर गिर जाते हैं। लतीफ अपने आदमी से कमरे की बत्ती बुझाने को कहता है। बत्ती बुझने तक स्नाइपर्स रुकते नहीं। इसी दौरान लतीफ की नजर एक ब्रिटिश पासपोर्ट पर पड़ती है। आतंकवादियों की गोली से बचकर भागते हुए स्कॉट और स्टोनब्रिज की तस्वीर मीडिया के कैमरों में कैप्चर हो जाती है, जिसे कंट्रोल रूम में कर्नल ग्रांट और उनके साथी देखते हैं। कर्नल ग्रांट कहती है कि मेजर जनरल कोहली को बता दिया जाए कि उसके आदमी जीवित हैं। स्टोनब्रिज स्कॉट की जांघ से गोली निकालने की कोशिश कर रहा है और उसका ध्यान भटकाने के लिए इराक के बारे में पूछता है। स्कॉट उसे बताता है कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की हेराफेरी के चक्कर में उसे निलंबित किया गया था। उसने शायद जरूरत से ज्यादा कुछ देख और समझ लिया था। स्टोनब्रिज स्कॉट की जांघ से गोली निकाल देता है। बच्ची को वॉशरूम में सुरक्षित बिठाकर स्कॉट उस औरत से पूछता है कि वो कौन है। औरत बताती है उसका नाम जुबैदा है और वो एक कॉस्मेटिक कंपनी के लिए काम करती है। स्टोनब्रिज उससे उसके पासपोर्ट के बारे में पूछता है तो वो कहती है शायद वो उसके रूम में रह गया। स्टोनब्रिज उससे पूछता है कि तुम्हारा मतलब है कि एक कॉस्मेटिक कंपनी में काम करने वाली औरत के लिए ये आतंकवादी हम पर गोली चला रहे थे। स्कॉट के पूछने पर कि महमूद कौन है, उस औरत का रंग उड़ जाता है। अब स्कॉट भी अपना रंग बदल लेता है और उसे सख्ती से बताता है कि उसकी वजह से उसकी जांघ में गोली लगी है। औरत बताती है कि महमूद उसके पति का नाम है। स्टोनब्रिज पूछता है कि वो कहाँ है। औरत कहती है मुझे सुरक्षित यहाँ से निकाल दो, मैं तुम्हें उसके पास ले जाऊंगी। होटल के बाहर मेजर जनरल कोहली पर पॉलिटिकल प्रेशर बढ़ता जा रहा है लेकिन वो अपने वादे पर अडिग रहते हैं। होटल के एलिवे में स्कॉट को वेटर्स की लाश मिलती है जिसके हाथ में एक मोबाइल फोन है। स्टोनब्रिज उस मोबाइल फोन से कंट्रोल रूम को फोन करता है। कर्नल ग्रांट उससे महमूद के बारे में पूछती है। स्टोनब्रिज उन्हें बताता है कि उन्हें महमूद तो नहीं मिला लेकिन एक औरत मिली है जो अपने आप को महमूद की बीवी बताती है और उसका नाम ईमान जुबैदा है। ईमान जुबैदा नाम सुनकर और उसकी तस्वीर देखकर मेजर अशकानी बताता है कि वो ब्रिटेन में पैदा हुई थी लेकिन बाद में पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पर उसने काम किया था डॉक्टर खान के साथ। तमाम सबूतों के बिना पर
महमूद की सुई ईमान जुबेदा पर आकर रुकती है। ईमान जुबेदा ही वो वेपन साइंटिस्ट है जो महमूद कोड नेम यूज कर रही थी। इस दौरान मौका मिलते ही जुबेदा वहां से भाग जाती है। बच्ची को स्टेयरकेस में बैठने को कहकर स्कॉट और स्टोनब्रिज जुबेदा के पीछे भाग जाते हैं। स्कॉट जुबेदा को लिफ्ट से भागते हुए पकड़ लेता है। वो जानना चाहता है कि आखिर सारा माजरा क्या है। अब जुबेदा बताती है ये सब इराक के WMDs के बारे में है। स्कॉट कहता है कि इराक में कोई भी WMD नहीं थे। जुबेदा कहती है नहीं थे, लेकिन वहाँ प्लांट किए जाने वाले थे। लेकिन जिस दिन वो प्लांट किए जाने वाले थे, उसी दिन वो ऑर्गेनाइजेशन जो उन्हें प्लांट करने वाली थी उन हथियारों के साथ गायब हो गई, और जुबेदा उन लोगों को जानती है, इसीलिए लतीफ उसके पीछे पड़ा है। उसे वो WMD चाहिए वेस्ट के खिलाफ जंग छेड़ने के लिए। स्कॉट कहता है कि अगर ये बात है तो वेस्ट उसकी हिफाजत करेगा। जुबेदा कहती है तुम बहुत नादान हो, वो ऑर्गेनाइजेशन ये रहस्य किसी भी कीमत में बाहर आने नहीं देगा। होटल के बाहर मेजर जनरल कोहली अपनी असॉल्ट टीम्स को स्टेशन कर रहे हैं। जुबेदा को साथ लेकर स्कॉट बच्ची को लेने पहुंचता है तो लतीफ वहां पहले से ही मौजूद होता है और उसके पास ईमान का पासपोर्ट होता है। वो ईमान को महमूद कहकर संबोधित करता है। बच्ची से बात करने पर लतीफ का आदमी स्कॉट पर हमला कर देता है। लतीफ अपने आदमी से उसे बंधक बनाने को कहता है। लॉबी में पहुंचने पर आतंकवादियों का लीडर महमूद को देखकर खुश होता है और वो लतीफ को मुबारकबाद देता है। साथ ही वो ये भी बताता है कि स्कॉट एक अमरीकी जासूस है। वो दोनों जानते हैं कि सूर्य उदय होते ही असॉल्ट टीम अटैक करेगी और वो जितने बंधक अपने साथ ले सके उनके लिए अच्छा होगा। लतीफ सबकी आंखों के सामने महमूद को वहां से लेकर निकल जाता है। स्टोनब्रिज ग्रांट को बताता है कि महमूद और स्कॉट दोनों गायब हैं। ग्रांट कहती है उसे सिर्फ महमूद के बारे में सोचना चाहिए। स्टोनब्रिज बताता है कि लतीफ को सूर्योदय पर होने वाले अटैक के बारे में पता है, इसलिए उसके पास एस्केप रूट भी होगा। ग्रांट उसे एक बार फिर से लतीफ के पीछे जाने को कहती है। होटल के पिछले गेट पर असॉल्ट टीम के भेस में लतीफ के आदमी पहुंच जाते हैं और गार्ड्स को गोली मारकर परिसर में दाखिल हो जाते हैं। लतीफ के एस्केप रूट को बाहर से खोल दिया जाता है। होटल की लॉबी में एक मिसाइल को छत से टांगने की तैयारी शुरू हो जाती है, जिसे देखकर स्कॉट भी निशब्द हो जाता है। स्टोनब्रिज लतीफ को ढूंढ लेता है। मिसाइल को छत की तरफ उठता देखकर सबके पसीने छूट जाते हैं। इस बार स्कॉट भी चुप नहीं रह पाता। स्कॉट एक बार पूरी रिग को चेक करता है और फिर उसकी आंखें घड़ी पर आकर रुकती हैं। घड़ी में 5:30 बज रहे हैं और मेजर जनरल कोहली भी अंतिम चरण की तैयारी कर रहे हैं। मीडिया की रिपोर्ट को देखकर कंट्रोल रूम समझ जाता है कि असॉल्ट की तैयारी हो चुकी है। लतीफ एक जगह जाकर रुक जाता है और जुबेदा के पूछने पर बताता है कि वो सिर्फ अब धमाके का इंतजार कर रहे हैं। स्कॉट बच्ची को नींद से उठाता है और अपने पास खड़े आतंकवादी से बच्ची को वॉशरूम ले जाने की बात करता है। वो आतंकवादी उसकी बात को नजरअंदाज कर देता है। भीड़ में से जिस आदमी को पहले उठाया गया था वो एक बार फिर से खड़ा हो जाता है और लीडर से कहता है, मैं वहां बैठे प्रार्थना कर रहा था कि तुम अपने हाथ वाला बटन दबाओ और विस्फोट हो जाए और हम सब मारे जाएं, ताकि यहाँ बैठे सभी बेगुनाह लोग और तकलीफ ना पाए। तुम जो कर रहे हो वो दीन के खिलाफ है। ये सुनकर स्कॉट के पास खड़ा हुआ आतंकवादी सहम जाता है, लेकिन लीडर पर कोई असर नहीं पड़ता। वो उस आदमी को बैठने का निर्देश देता है। लतीफ पर नजर रखे हुए स्टोनब्रिज का फोन बजने लगता है। लतीफ अपने आदमियों को उस पर छोड़ देता है और महमूद को वहां से लेकर भागने की कोशिश करता है। स्टोनब्रिज उसके आदमियों पर हावी हो जाता है और उसकी गोली से लतीफ मारा जाता है। स्टोनब्रिज जुबेदा को आश्वस्त करके उसे अपने साथ ले जाता है। लॉबी में लगे मिसाइल से अनजान असॉल्ट टीम मुख्य द्वार पर एक्सप्लोजिव लगा देती है। स्कॉट अपने पास खड़े आतंकवादी से एक बार फिर से आग्रह करता है। इस बार वो हिम्मत करके लीडर से इजाजत ले लेता है। वॉशरूम में स्कॉट लड़की से पिछली बार की माफी मांगता है और उसे आश्वस्त करवाता है। इसके बाद वो वॉशरूम के दरवाजे को लात मार कर लॉबी में आ जाता है और वहां गोलियां चलने लग जाती हैं, जिसे बाहर खड़े मेजर जनरल कोहली भी सुनते हैं। लीडर के हाथ से मिसाइल का रिमोट गिर जाता है। स्कॉट बॉम्ब के फ्यूज से तारें डिस्कनेक्ट कर देता है। असॉल्ट टीम मुख्य द्वार को उड़ा देती है। लीडर स्कॉट को गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसी का साथी उस पर गोली चला देता है। इन सब से अनजान असॉल्ट टीम उसे भी गोली मार देती है। मरता हुआ लीडर मिसाइल का वायर काट देता।
मिसाइल के जमीन से छूने से पहले स्टोन ब्रिज उसे पकड़ लेता है और स्कॉट के मुंह से निकलता है वेल कॉट। सभी थके हारे बंधक होटल से बाहर आना शुरू कर देते हैं। बच्ची स्कॉट की गोद में होती है और महमूद यानी कि जुबैदा स्टोन ब्रिज के साथ। कर्नल ग्रांट और उनकी टीम भी मौके वारदात पर पहुंच जाती है। केट स्कॉट को मेडिकल एड के लिए ले जाती है। कर्नल ग्रांट जुबैदा को मेजर अशकानी से मिलाती है। मेजर अशकानी अफसोस जताते हैं कि वो जुबैदा को अटैक से पहले नहीं मिल सके। कर्नल ग्रांट लतीफ की लाश देखना चाहती है। मेजर जनरल कोली ग्रांट से पूछते हैं उन्हें जो चाहिए था वो उन्हें मिल गया। कर्नल ग्रांट उनका आभार व्यक्त करती है और उनसे उन पर आने वाली मुसीबतों की क्षमा मांगती है। स्टोनब्रिज की गर्लफ्रेंड उनसे फ़ोन पर पूछती है कि क्या वो उन्हें गलत समय पर फ़ोन कर रही है। स्टोनब्रिज कहता है इससे बेहतर समय हो ही नहीं सकता। स्टोनब्रिज की गर्लफ्रेंड उसे घर वापस आने के लिए कहती है। मेजर अशकानी जुबैदा को इंडियन इंटेलिजेंस को सौंपने के लिए निकल पड़ते हैं और तभी हम देखते हैं जीप का ड्राइवर लतीफ का आदमी है। कंट्रोल रूम में पुख्ता सबूत के लिए लतीफ की लाश की शिनाख्त की जा रही है। केट और स्कॉट हॉस्पिटल से वापस आ जाते हैं और स्कॉट ग्रांट के सामने अपनी मांगों की लिस्ट रख देता है जो काफ़ी लंबी चौड़ी हैं। कर्नल ग्रांट उसे याद दिलाती हैं कि स्टोनब्रिज ने उसे बताया है कि उसने लतीफ को कभी ठीक से देखा ही नहीं था और यूएस मिलिट्री से अपमानजनक तरीके से बर्खास्त होने पर उसे और कहीं काम भी नहीं मिलेगा। स्कॉट उसे याद दिलाता है कि उसकी और स्टोनब्रिज की वजह से होटल तबाह होने से बचा है। ग्रांट कहती है कि ड्यूटी पे उसकी हरकतों की सारी इन्फॉर्मेशन उसे स्टोनब्रिज दे चुका है और अगर वो सम्मानपूर्वक सेक्शन 20 के साथ काम करना चाहता है तो उसे उनकी टर्म्स और कंडीशन को स्वीकार करना होगा। स्कॉट के वहाँ से जाने पर केट कहती है कि शायद उसे नौकरी देकर वो लोग गलती कर रहे हैं। ग्रांट कहती है हो सकता है। लतीफ की आइडेंटिफिकेशन पर काम कर रही डेटा एनालिस्ट बताती है तस्वीर वाला आदमी लतीफ नहीं यमिनी आतंकवादी अब्बासी सवालाह है और अगर वो लतीफ नहीं है तो लतीफ है कौन। एक तरफ अशकानी इंडियन इंटेलिजेंस के बेस की तरफ बढ़ रहा है और दूसरी तरफ सेक्शन 20 की टीम मुंबई की एक चौल की तरफ बढ़ती है। अशकानी ड्राइवर से पूछता है वो कहाँ जा रहे हैं। सेक्शन 20 की टीम एक होटल के बाथरूम में घुसती है जहाँ बाथटब में एक लाश पड़ी है। अशकानी की जीप का ड्राइवर गाड़ी रोक देता है और इंडियन आर्मी के गार्ड को गोली मार देता है। जीप को चारों तरफ से घेर लिया जाता है और अब अशकानी महमूद से कहता है कि वो उसे सब कुछ बताएगी जो वो जानना चाहता है। बाथटब में पड़ा हुआ आदमी असली मेजर अशकानी है। अशकानी उर्फ लतीफ की जीप के पास सेक्शन 20 को जुबैदा उर्फ महमूद की लाश मिलती है। लतीफ को कंट्रोल रूम में लाने की जिम्मेदार खुद कर्नल ग्रांट थी और उसने अपने हाथों से महमूद को लतीफ के हवाले कर दिया और अब लतीफ ये भी जानता है वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन किसके पास हैं और कहाँ हैं। बौखलाया हुआ स्टोनब्रिज मुंबई के एक होटल में उठता है और केट उसके साथ है। स्टोनब्रिज कपड़े पहनता है और उससे कहता है कि उन्हें ये सब रोकना होगा। केट उससे पूछती है कि क्या वो उसे छोड़ सकता है। स्टोनब्रिज केट को होटल रूम में अकेला छोड़कर वहाँ से निकल जाता है। वहाँ से निकलकर वो सीधा स्कॉट से मिलता है जो उससे अकेले में बात करना चाहता था। स्टोनब्रिज उससे पूछता है कि जॉन पोर्टर ने ऐसा डिकोडेड मैसेज क्यों बनाया जो सिर्फ स्कॉट डिकोड कर सकता था। स्कॉट उससे पूछता है तुम्हें क्या लगता है। स्टोनब्रिज कहता है इसका एक ही मतलब बनता है कि वो सेक्शन 20 पर विश्वास नहीं करता। स्कॉट कहता है उसे भी ऐसा लगता है और वो शायद गलत नहीं था। क्यों इतनी बार करीब होकर भी मौका सेक्शन 20 के हाथ से निकल जाता है। लतीफ उन्हें बेवकूफ बना गया और जुबैदा WMDs के बारे में बता रही थी। स्कॉट मानता है कि इन सब कड़ियों का जो कुछ उसके साथ इराक में हुआ उससे लेना देना है, इसीलिए जॉन पोर्टर ने डिकोडेड मैसेज सिर्फ उसके लिए बनाया। स्टोनब्रिज और स्कॉट अब एक साथ मिलकर इस गुत्थी को सुलझाने का निर्णय लेते हैं।